जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके लिए साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना मेरे विचार से तो बहुत अच्छी साधना है। अब आपका विचार कैसा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मंत्र मेरी तरफ से बहुत अच्छी साधना है। ये साधना एक तरीके से मान ली सुराल वापसी की साधना है। कई बार क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े सभी के होते हैं भाई। जो पति पत्नी हैं, अगर वो साथ साथ रहते हैं तो एक ना एक दिन लड़ाई भी होगी उनमें आपस में। कहते ना कि जिस घर में चार बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ही हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि खड़क के साला नीचे ही गिर जाता है। अब जब वो नीचे गिर जाएगा तो भाई उसे उठा करके भी तो रखना है ऊपर। और जब वो नीचे गिरेगा ना तो वो साला आवाज़ बहुत करता है, बहुत झन 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 की आवाज़ करेगा गिरते ही। तो इसी तरह से ये जो हमारा जीवन है, एक गृहस्थ जीवन है, और इसमें जब पति पत्नी भी साथ में हैं, बच्चे भी हैं, तो कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में भयंकर लड़ाई हो जाती है। और भाई कहीं कहीं तो मुँह से ही काम चल जाता है। अब मुँह से काम चलना मतलब वो दूसरा अर्थ मत समझना भैया कि मुंह से काम चला लेते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मुंह से गाली वाली दे करके या आपस में लड़ करके मुंह से ही लड़ते हैं। और कहीं कहीं तो जो है फिर फाइटिंग भी हो जाती है, कहीं कहीं हाथ पैर भी चल जाते हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति में जब हाथ पैर चल जाते हैं तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अब वो अपना थैला उठा करके सीधा फिर अपने भागती है अपने पियर की तरफ कि मैं चली अपने मायके और तू अब यहाँ रहे, ठीक है। अब जब तो जो है मतलब वो कह देगा कि भैया ठीक है, नहीं मुझे नहीं तेरी ज़रूरत है, ये वो फलाना डिका सब बोल देगा। लेकिन जब हो जाएंगे दो चार दिन या पांच दिन, और घर में मतलब जब देखेगा कि ना तो रोटी मिल रही टाइम से और ना ही कपड़े धुले मिल रहे हैं, ना ही कोई सुनने वाला है, अब उसको याद भी आएगी भाई। और ऐसा भी होता है कि दोनों पति पत्नी हैं तो पति पत्नियों में प्रेम भी होता है। अब वो प्रेम भी उसको अखरेगा, उसको वो भी याद आएगा। तो अब उसको याद आएगी कि यार चल कोई बात नहीं है, लड़ाई तो हो ही गई, पर चल ससुराल से वापस ले करके तो आए कम से कम, मतलब अपने पीहर चली गई है तो ससुराल तो वापस ले आए, उसकी अपने घर रहेगी। लेकिन अब पत्नी क्या कहेगी, पत्नी कहेगी कि मैं नहीं आऊँगी तेरे पास में, अब तू जा अकेला ही रह, ठीक। अब हो गया ना कबाड़ा सारा, अब क्या करे। अब घर उधर से वो नहीं आ रही है, इधर से तुम बैठे हो चुपचाप, तो अब कैसे हो। और भैया ये तो स्त्री जाती है, यहाँ पर क्या होता है ये अकड़ में आ जाए तो फिर मानेगी भी नहीं, तो अब क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ जो आपको करना है। अब क्या करना है उसको वापस लाने के लिए, जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं कि हम उसको कैसे वापस लाएंगे, तो आपको इस मंत्र का आपको जाप करना है। और केवल आपको एक माला का जाप करना है, एक माला का जाप 41 दिन तक करना है, ठीक है। अब क्या हो गया कि गुरुजी 41 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ कम कर लो। तो भैया पत्नी भी ऐसे ही नहीं मिलती है, वहाँ भी जो है कुछ ना कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही पत्नी नहीं मिलती है फिर दोबारा से, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ कम भी कर लेते हैं, चलो अगर पांच माला करोगे, पांच माला का आप जाप करते हो तो फिर आप 11 दिन कर लेना या 21 दिन कर लेना, चलो 21 दिन ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत तो कष्ट होना ही चाहिए यार, ठीक है। तो 21 दिन तक पांच माला का जाप करना है और रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहां से आप नोट कर व्हाट्सएप नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर देना, वो माला आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसकी जो भी राशि होगी वो आपको देनी होगी, ठीक है।
और इसमें आपको किसी भी तरह से कोई भी दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगाना चाहें लगा सकते हैं, एक छोटा सा दीपक लगा लें और धूप लगा लें, बाकी कोई ज़्यादा खास आवश्यकता नहीं है। केवल आपको 5 माला का जाप करना है और 21 दिन तक करना है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र किस प्रकार से है, और मंत्र ना आपको वीडियो में ही मैं दे दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लेना। तो मंत्र ऐसे है, ओम नमो भोगराज भयंकर परिभुय उत उधरई जे जोई जोई। समझे? मतलब कि थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि अटपटा इसलिए लगेगा कि सावर मंत्र है, इसके अर्थ पे ना जाएं। अर्थ इसका पता नहीं क्या सकता है, नहीं अर्थ आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि सावर मंत्रों में कोई अर्थ अलग ही होता है उसका, ठीक है। ये कुछ गांव की जो ग्रामीण भाषा होती है ना, जगह जगह की, वहां से संबंधित होते हैं, उनकी भाषा के अर्थ होते हैं ये। तो उस पर मत जाना, केवल मंत्र जाप करना, आप जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही मंत्र मैं बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भोगराज भयंकर परिभुय उत उधरई जोई जोई देखे मार कर तासो सो देखे पांव परंता ओम नमो ठह 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 स्वाहा। ठीक है, पहले याद कर लेना इसको, क्योंकि नहीं फिर आपके जो अगर उच्चारण में गलती होगी तो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उच्चारण जैसा मैंने लिखा है वीडियो में लिखा है, वैसा का वैसा ही उच्चारण करना, उसमें अपनी वो उसमें ना अपनी जो बुद्धि है वो मत लगा देना, ठीक है, वरना फिर कहोगे जी ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, 21 दिन तक 5 माला का जाप, 5 माला प्रतिदिन के हिसाब से जाप करना है, और 21 दिन जब हो जाए पूरे तो नमक ले लेना है, सांभर जो होती है वो ले लेना है, थोड़ी सी नमक ले करके, और उस पर 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके शक्तिकृत कर देना है उस नमक को, और कैसे भी करके अपने ससुराल पक्ष में या कैसे भी करके उस नमक को थोड़ा सा उसको खिला देना है। भाई ससुराल जाओ तब भी खिला सकते हो, चुपके से रसोई में जाकर के थोड़ा सा मिला देना बस सब्जी में, ठीक है, तरीका भी मैंने बता दिया है। और अगर नहीं जा सकते हो तो कोई तुम्हारा सगा संबंधी ऐसा हो कि जो वहाँ जा सकता हो तो उसके हाथ करवा देना ये काम, कि थोड़ा सा नमक उसको खिला देना बस, उस अपनी पत्नी को वो खिला दे बस, तो उसको जो है अपनी जो अपना जो घर है ना, अपनी जो ससुराल है वो याद आने लगेगी तुरंत, और वो भागी भागी आएगी फिर अपने घर चुपचाप चली आएगी, ठीक है। उसका ऐसा मन परिवर्तन होगा कि उसे याद आने लगेगी अपने घर की, तो वो वहाँ से अपने पीहर से अपने मायके से चली आएगी वापस, अपने घर आ जाएगी, ठीक है। तो घर टूटने से बच जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। तो काम ये कर लेना, अगर भैया किसी का ऐसा हो रखा हो कि पत्नी नहीं आ रही हो तो कर दो चालू, ठीक है, और 100% नहीं 101% काम होगा। तो इसी के साथ जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।